नमस्कार, मैं डॉक्टर अलंकार तिवारी। आज हम बात करेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ की, यानी डायबिटीज़ का वो प्रकार जो मुख्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। यह या तो 3 से 4 साल 5 साल के बच्चों में मिलेगा, या फिर ये एक बार जाके 12, 13, 14 साल के एज ग्रुप में होता है। कुछ मरीज़ों में ये 40 साल के बाद भी होता है, जिसको हम लोग एडल्ट ऑनसेट टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं। पर ज़्यादातर जो केसेस होते हैं वो बचपन में ही मिलते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम टाइप 1 डायबिटीज़ को पहचानें। अगर बच्चा बहुत छोटा है, अगर 2, 3, 4 साल के आसपास का है, तो अगर बच्चे का वज़न बहुत कम होने लगे, बच्चा खाना तो खा रहा है पूरी तरीके से, अच्छे से खाना खाता है, बट इसके बावजूद भी उसका जो वज़न है वो बढ़ नहीं रहा, बच्चे को बार बार इन्फेक्शन्स होते हैं तरह तरह के, पेशाब के रास्ते के इन्फेक्शन, छाती के इन्फेक्शन ये होते हैं, बच्चा चिड़चिड़ा रहता है, और कई बार बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो सकती है, उसको पेट में दर्द हो बहुत ज़्यादा, और ब्लड प्रेशर कम हो रहा हो, पानी की कमी, डिहाइड्रेशन बहुत हो रहा हो, वॉमिटिंग, उल्टियाँ बहुत सारी हो रही हो। तो अगर ऐसे में आप अगर अस्पताल में दिखाएंगे बच्चे को, तो पता चलता है वहाँ पे एकदम से कि बच्चे की शुगर काफ़ी बढ़ी हुई है। ज़्यादातर केसेस में ऐसे ही शुगर का पता चलता है, टाइप 1 डायबिटीज़ का पता ऐसे ही चलता है कि बच्चा एकदम से बीमार पड़ेगा, भर्ती कराया जाएगा अस्पताल में, और वहाँ पे जांच कराने पे पता चलता है कि बच्चे को शुगर है, और बच्चा इस समय DKA यानी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जो कि एक इमरजेंसी कंडीशन है टाइप 1 डायबिटीज़ की, उसकी वजह से यहाँ भर्ती हुआ है। तो इस तरीके से टाइप 1 डायबिटीज़ जो है अपने आप को प्रेजेंट करता है। ऐसे ही 12, 13, 14 साल की उम्र में अगर आता है डायबिटीज़, तो भी यही चीज़ें रहेंगी, बच्चे जो है उसका वज़न अचानक से कम होने लगेगा, भूख बढ़ेगी, प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, बार बार पेशाब जाएगा बच्चा, और इन्फेक्शंस बाकी होते रहेंगे। और एक और चीज़ें हैं जो बड़ी ध्यान देने वाली बात है, कि ऐसे बच्चों को जिनको डायबिटीज़ यानी टाइप 1 डायबिटीज़ रहेगा, उनका ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगा, उनका विकास सही से नहीं होगा। अगर छोटा बच्चा है तो उसका भी जो वज़न और लंबाई है, या बाकी जो माइलस्टोन्स को हम कहते हैं, वो समय पे नहीं आ पाएंगे, और जो एज के अनुरूप नहीं रहते हैं। ऐसे ही जो किशोरावस्था के बच्चे हैं, अगर उनको टाइप 1 डायबिटीज़ है और कंट्रोल नहीं है, तो उनके भी जो किशोरावस्था के चेंजेस हैं वो पूर्णता नहीं आएंगे, लड़कियों में दोनों में हाइट जो लंबाई है वो नहीं बढ़ेगी। तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चे की उम्र तो बढ़ जाती है, पर वो बच्चा देखने में बहुत छोटा लगेगा, वो बहुत अपने उम्र से बहुत छोटे लगते हैं वो बच्चे। तो अगर ऐसा दिख रहा है बच्चों में, तो एक बार आप उनकी शुगर की जांच भी कराएं, डॉक्टर को दिखा के एक बार कराएं। तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ के लक्षण हैं, इस तरीके से प्रेजेंट करता है टाइप 1 डायबिटीज़। और जैसा मैंने अपने पहले वीडियोज़ में बताया हुआ है कि टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन बिल्कुल ही हमारे शरीर में नहीं बनती है, और हमें बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है। तो इसीलिए टाइप 1 डायबिटीज़ का जो मुख्य इलाज है वो है इंसुलिन के इंजेक्शन्स जो होते हैं, इंसुलिन थेरेपी, उसमें देते हैं। अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह की इंसुलिन देना होगा, वो आपके डॉक्टर, आपके एंडोक्रिनोलॉजिस्ट आपको बताएंगे। शुगर की मॉनिटरिंग आपको घर पे करनी पड़ेगी टाइमली, जिससे कि डोज का जो इंसुलिन की डोज है उसको हम सही तरीके से टाइट्रेट कर सकें, एक फिक्स डोज कुछ समय के बाद जाके करें। खाने के हिसाब से भी इंसुलिन की डोजेस होती, कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग जिसे हम कहते हैं, कि खाने में आपके कार्बोहाइड्रेट का जो अंश है कितना है, कितना परसेंटेज है, और उसके हिसाब से आपको इंसुलिन की डोजेस कैसे चेंज करनी होती हैं। तो ये चीज़ें मरीज़ को बताना भी बहुत ज़रूरी है, बच्चे खुद से ही कुछ दिनों में सीख जाते हैं और अपने इंसुलिन को खुद ही रेगुलेट कर लेते हैं। और एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे भी बहुत से पेशेंट्स बारे में बात करते हैं, कि बच्चे को जो जैसे दोपहर में अगर इंसुलिन लगाना है दोपहर के लंच के पहले, तो उस टाइम ज़्यादातर बच्चे स्कूल में रहते हैं, तो वो ये कहते हैं कि स्कूल में उनके लिए लगाना बहुत मुश्किल है और टीचर्स अलाउ नहीं करते बहुत बार। तो स्कूल के लोगों से जो है, विद्यालयों में भी ये जागरूकता बहुत ज़रूरी है, कि ऐसे बच्चे तो हैं ही, बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज़ होना एक आम बात है, और उनको भी कुछ उनके लिए स्पेशल एक आप बनाएं, क्योंकि उन्हें इंसुलिन लेना पड़ता है जो कि ज़रूरी है, और इंसुलिन लेने के बाद भोजन करना भी बहुत ज़रूरी है 15-20 मिनट के बाद। तो उन बच्चे को इतना एक लिबर्टी दें, उसको उनका ध्यान थोड़ा रखें इस चीज़ के बारे में,
और ये उनका अधिकार है अगर आप इस तरीके से उन्हें ट्रीट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये हम सभी का एक समाज के तौर पे फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम Type 1 डायबिटीज़ के बच्चों को पूरी तरीके से सपोर्ट करें, क्योंकि ये अपने आप में वैसे ही बच्चा जो है वो काफ़ी परेशान रहता है इस चीज़ को लेके। तो बच्चे को इस चीज़ के बारे में उसका जो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट सिस्टम बहुत होना चाहिए, बेटर होना, जिसके परिवार को, उसके दोस्तों को, स्कूल को, सबको मिलजुल के इसके बारे में काम करना है, और साथ में उसके डॉक्टर को भी, और समय समय पर शुगर की जांच करें, डॉक्टर से मिलते रहें, पानी खूब सारा पिएं, क्योंकि डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, हरी साग सब्जी खाएँ, अच्छा डाइट लें जो है, और भरपूर अच्छी नींद लें, फिजिकल एक्टिविटी करते रहें, बच्चे जो है अच्छा कोई स्पोर्ट्स गेम जो आउटडोर एक्टिविटी है वो करें। और बहुत से पेरेंट्स को ये डाउट होता है कि अगर उनके बच्चों के Type 1 डायबिटीज़ है तो फिर वो आम एक सामान्य जीवन नहीं जी सकते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं, विश्व में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, एथलीट्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, जिनको की Type 1 डायबिटीज़ बहुत कम उम्र से रही है, लेकिन फिर भी वो अपने इंसुलिन थेरेपी से और उनका शुगर नियंत्रण में है, एक अच्छी जीवन शैली जी रहे हैं, और एक सामान्य इंसान की तरह एकदम स्वस्थ जीवन शैली जी रहे हैं। जो खिलाड़ी हैं वो खेल अच्छे से खेल रहे हैं, अपना करियर बना रहे हैं बढ़िया, और हर फील्ड में बेस्ट अपना कर रहे हैं, जैसे कि कोई भी ऐसा व्यक्ति करता है जिसको कि डायबिटीज़ नहीं है। तो डायबिटीज़ होना अपने आप में आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर के लिए आपको कोई परेशानी मिल गई है और आप हेल्दी लाइफ नहीं जी सकते हैं। शुगर प्रॉपर कंट्रोल में रहेगी तो आपका जो विकास है किशोरावस्था का वो भी सही होगा, लंबाई अच्छी नॉर्मल जितनी बढ़नी चाहिए वो बढ़ेगी, और आगे चल के जैसे जो रिप्रोडक्टिव यानी कि जो प्रजनन क्षमता है उस पर भी असर नहीं आएगा, क्योंकि अगर शुगर कंट्रोल नहीं रहेगी तो उस पर भी असर आ सकता है, प्रजनन क्षमता पे भी, पुरुषों में और साथ में महिलाओं में भी, बच्चे पे भी असर आ सकता है, कई बार बच्चे कंसीव नहीं कर हो पाते हैं उसमें भी प्रॉब्लम आती है, तो अगर शुगर कंट्रोल रहेगा तो ये सब दिक्कतें भी नहीं आएंगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि Type 1 डायबिटीज़ के लक्षण को पहचानें, समय से उसका उपचार कराएं, समय समय पर जो है डॉक्टर को दिखाएं, डोज को समझें, इंसुलिन कभी भी स्किप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बार भी आप स्किप करेंगे तो आगे की शुगर बढ़ जाएगी। हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स को पहचानना ज़रूर होगा, यानी शुगर कम कब होता है, तो उसके क्या लक्षण होते हैं, उसके मुख्यतः लक्षण ये होते हैं कि मरीज़ को एकदम से कमज़ोरी महसूस होगी, आँखों के आगे काला अंधेरा छाने लगेगा, चक्कर आएगा, पसीना काफ़ी होने लगेगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप कहीं बैठें, अपने साथ हमेशा एक चॉकलेट या कुछ मीठा लेके रखें, कैंडी, और उसको तुरंत खा लें, और अपने बैग में, अपने पॉकेट में एक कार्ड हमेशा रखे हैं जिसमें लिखा रहे कि आपको Type 1 डायबिटीज़ है, आप इंसुलिन थेरेपी पे हैं, और ऐसे कंडीशन में अगर आप बेहोश में मिल रहे हैं तो आपको ग्लूकोन डी या ग्लूकोज आपको तुरंत दिया जाए। आप तो जिससे भी आप कभी बाहर भी अगर ऐसे स्थिति में रहेंगे तो कोई भी आपको आसपास जो भी व्यक्ति देखेगा वो आपको आपकी दिक्कत समझ सकता है और आपको उचित जो है इलाज मिल सकता है उस टाइम समय पर। तो आप इन बातों का ध्यान रखें, अगर आपके परिवार में, आपके आसपास कोई भी ऐसा इंसान है जिसे Type 1 डायबिटीज़ है तो उसको बताएं, उसे शेयर करें ये चीज़ें, और आगे आने वाले वीडियोस में हम और भी बहुत सी चीज़ों के बारे में आपसे जानकारी साझा करेंगे। नमस्कार।